मन का मैनेजमेंट, थॉट्स मैनेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, पूर्ण प्रवृत्ति में पूर्ण निवृत्ति, यही ऋषित्व है. सारे कार्यों को करते करते भी निर्लेप भाव में जीना, नो ईगो नो इग्नोरेंस, अहंकार एक पल का भी नहीं, क्योंकि मैं उस ईश्वर का यंत्र हूं, उस पर ब्रह्म परमेश्वर का मैं प्रतिरूप हूं, मैं यंत्र हूं, मैं अपने कर्तव्य पालन के लिए आया हूं यहां पर, मुझको इस संसार में फंसना नहीं है. ऋषियों ने कहा कि ऐसा जीवन जीना, पद्म पत्रम इव अंभसा, ऐसे कर्तव्य का पालन करना. मैं एक योग शिक्षक हूं, मैं एक अपने गुरु का एक शिष्य हूं, सिपाही हूं, तो मुझको अपना जीवन ऐसा जीना है जैसे मेरे गुरु का जीवन है, मुझको ऐसा कार्य करना है जैसे मेरे ऋषियों का कार्य था. हर घर में परम पूज्य स्वामी जी महाराज क्या कहते, ये भारतवर्ष ऋषियों का देश था. लोग कहते ये देश किसका था, ऋषियों का देश था, ऐसा कभी नहीं कहना, ये ऋषियों का देश है. अपने चरित्र को ऐसा बनाइए, अपनी संतानों को ऐसा बनाइए जिनके अंदर ऋषि ऋषिकाओं का आचरण हो, ऋषि ऋषिकाओं का चरित्र हो, ऐसा जीवन. ये कहने की बात नहीं, ये करने की बात है, जीने की बात है, और जी सकते हैं. चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोई काम संसार में असंभव नहीं है, ये हमारे ऋषियों ने हमको सिखाया है. इसलिए हमारा जीवन अपने ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो. योग करना और कराना, केवल योग करना कराना ही नहीं है, ये हमारे संपूर्ण जीवन को बदल देता है, हमारे घर परिवार को बदल देता है, हमारे घर परिवार में अच्छा संस्कार आता है, नशे से बचते हैं हमारी संतानें, व्यभिचार भ्रष्टाचार से बचती हैं, असत्य से बचती हैं, और उज्जवल चरित्र वाली बनती हैं. कुल वंश का, माता पिता का, गुरु का गौरव बढ़ाने वाली संतान बनती है. इसलिए ये बहुत आवश्यक है. योग करना और कराना ये युग धर्म है, ये मानव धर्म है, ये राष्ट्र धर्म है, ये आज विश्व धर्म बन गया है. सारा संसार एक अग्नि में जल रहा है, जहां देखो वहीं पर आए दिन हमले हो रहे हैं, बारूद के ढेर पर बैठा है संसार, पता नहीं कब किस देश पर हमला हो जाए, कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं. ये सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, कहते तो है जीवम सर्दा सतम, लेकिन ये श्वास बाहर आई अंदर जाए ना जाए कोई गारंटी है? अंदर गई अंदर से बाहर आए ना आए कोई गारंटी नहीं. इसलिए आनंद में रहिए, नाउ इज द गोल्डन टाइम, ये स्वर्णिम अवसर है. ये पल कल आए ना आए कोई गारंटी नहीं है. इसलिए अब लोग कहते कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें. क्यों? आजकल का फैशन ऐसा हो गया है, खाने का, सोने का, जागने का, व्यवहार का, आहार का कोई भी ठिकाना नहीं, और इसलिए पता नहीं कब चलते चलते उठते बैठते पता नहीं कब श्वास निकल जाए, प्राण निकल जाए. हमारे ऋषि मुनि, हमारे महापुरुष जिन्होंने जीवन को जिया है, वो इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते थे. हमारे जो घर के गृहस्थ संत भी ऐसे होते थे जो इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते थे, मृत्यु भी जिनसे डरती थी वो मृत्युंजय होते थे. मौत दरवाजा खटखटा रही है और बोलते थे आज नहीं कल आना, ऐसा होता था. मृत्यु से डरते नहीं, मृत्यु से खेलते थे वो. ये कोई मैं कथा करने नहीं आया, ये आपका आत्मबल, आपका मनोबल, आपका चरित्र बल इस प्रबलता के साथ आगे बढ़ेगा. जो आप कहेंगे वो होगा, जो आप सोचेंगे कहेंगे वो होकर के रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है. योग की शक्ति हमको हर प्रकार से प्रबल करती है,
याद रखना, सच्ची इंसानियत इसी से आती है, इसलिए योग करिए और कराइए। परमात्मा तो कणकण में विद्यमान है, आप किसी को दिखाने के लिए मत करना, क्योंकि गुरु ने हमको चुना है, उस ईश्वर ने हमको चुना है कि हमको समाज की सेवा करनी है। समाज की सेवा सबसे बड़ी सेवा। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, माता पिता ने जीवन दिया, घर परिवार ने हमको पाला पोसा, और संसार ने, समाज ने, इस देश ने हमको दिया कि नहीं दिया, बोलो ना, दिया कि नहीं दिया। तो हमको भी जो संसार से, इस समाज से, राष्ट्र से मिला है, तो हमारा कर्तव्य देने का है कि नहीं, बोलो ना। जो देते हैं वो देवता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, और जो लेते हैं वो लेवता कहलाते हैं। एज यू विश, एज यू लाइक, आप क्या चाहते हैं, देवता बनना चाहते हैं कि लेवता बनना चाहते हैं, बोलिए ना। अभी कुछ विचार कर रहे हैं कि लेने वाले बने कि देने वाले बने, लेवता बने कि देवता बने, स्वामी जी ने असमंजस में डाल दिया। ये संसार गिव एंड टेक, ये संसार क्या है, गिव एंड टेक। आप मुझे दे, मैं आपको दूंगा। वेद का आदेश है, देही में ददामी ते, देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। ये प्रकृति भी ऐसी है, ये प्रकृति अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे, व्यवस्थित नहीं करेंगे, कब तक ये देगी, कब तक हमको अन्न मिलेगा, कब तक स्वच्छ और पवित्र वातावरण मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। इसको बनाना पड़ेगा, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, तो ये हमारी रक्षा करेगी, करेगी कि नहीं करेगी। इसलिए हमको अपने जीवन और जगत को उत्तम बनाना है, और परमात्मा को मूल में रखना है, परमात्मा को, गुरु को मूल में रख करके अपने कार्यों को करते रहें। कि कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा रही है, फिरकी बना के कैसे तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, देखा अजब तमाशा, छुप कर किसी ने कैसे संकेत से नचाया, छुप कर किसी ने कैसे संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। तो प्रभु का हम अनुभव करें। योग हमको वो शक्ति देता है कि हम ध्यान से, ज्ञान से परिपक्व हो जाते हैं।
देखो बिना जान के बिना ध्यान के जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ध्यान करें और जान से युक्त होकर के करें, अल्पज्ञ होकर के, अपरिपक्व होकर के, अविद्या से, अविवेक से, अवैराग्य से युक्त होकर के कभी कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब हमारा जान, हमारा ध्यान, हमारा कर्म अच्छा होगा। बिना अच्छे कर्म के कोई फल मिलेगा क्या? जैसा आप जो है बीज डालोगे जमीन पर वही तो मिलेगा ना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, कोई खाएगा क्या? अरे घर में जो बनाओगे वही तो खाओगे और वही खिलाओगे। तो अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए हमको अच्छे बीज डालने होते हैं। देखो मैं थोड़ी बात कह करके फिर विराम लूंगा। देखो हम इस संसार के व्यापार में, इस संसार के व्यवहार में, इस भूमि में दो प्रकार के बीज बोते हैं, दो प्रकार के बीज बोते हैं। एक बीज पाप के होते हैं और एक बीज पुण्य के होते हैं। हमेशा हर क्षण ये बीज पढ़ते रहते हैं। कर्म की ये भूमि में दो प्रकार के सेब साहब दो बीज पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक पाप के बीज, एक पुण्य के बीज। हम कर्म की इस भूमि में, कर्म क्षेत्र है ना, धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, यत किमपि कुर्मः पाप पापेन अथवा पुण्येन, पाप से युक्त अथवा पुण्य से युक्त, दो प्रकार के कर्म करते हैं। और वो ऐसी खेती होती है, वो निरर्थक नहीं है, उसमें कोई सूखा नहीं पड़ता, उसमें बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो फसल होती ही होती है, कोई माई कलाल उससे बच नहीं सकता। पुण्य करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा, पाप करेगा तो उसको पाप ही मिलेगा, उसको ऐसा ही दुख मिलेगा, उसको कष्ट मिलेगा। इसलिए हर पल सजग रहिए, सावधान रहिए। साधु सावधान बोलते हैं, सावधान रहिए, सजग रहिए। और जो सजगता से ये कर्म का अनुष्ठान करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमको ऐसा साधन मिला योग का जिससे हमारा तन मन निर्मल हो जाता है। हमको ईश्वर का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर उतरता है। जब जब हमारे अंदर ईश्वर की प्रेरणा हो कि ये काम मत करो, ये अच्छा नहीं है, कौन सा काम? जब गलत कार्य करेंगे तो एक घंटी बजती है अंदर। कौन सी घंटी? प्रेरणा की घंटी। प्रेरणा होती है अंदर से, क्या होती है कि ये सत्य है या असत्य है, इसको करना है इसको नहीं करना। जब जब भय, शोक, लज्जा, शंका, ये चार चीजें जब जब तुम्हारे मन में आए, क्या? भय, शोक, लज्जा, शंका, उस कार्य को कभी नहीं करना। और जिसमें उत्साह बढ़े, जिसमें प्रेम बढ़े, जिसमें आत्म शांति बढ़े, जिसमें संतोष बढ़े, जिसमें स्वाभिमान बढ़े, उस काम को करने में कभी पीछे नहीं रहना। तो आपको तत्काल दुनिया चाहे आपको पुरस्कार दे या तिरस्कार दे, दुनिया की परवाह नहीं करना। ये दुनिया तो ऐसी ही है, दुख देने के लिए बैठी रहती है। दुनिया के चक्कर में पड़ोगे तो फिर चक्कर में ही पड़ते रहोगे, कभी रास्ते पर आगे नहीं बढ़ोगे। जान से, विवेक से, वैराग्य से और ध्यान से, योग से ही हमको सही रास्ता मिलेगा। दुनिया को खुश नहीं कर सकते आप, किस किस को खुश करोगे? कोई संसार में आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वो एक एक क्षण में पूरी दुनिया को बदल देते। कितने राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट हुए, लेकिन वो सबको क्या प्रसन्न कर पाए? भगवान के अवतार के रूप में हम जिनको जानते हैं उन्होंने सबको संतुष्ट किया क्या? तो दुनिया को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। हां, जो मैंने बात कही है, आपकी संतुष्टि होनी चाहिए। आप अपना सम्मान करना सीखिए। दुनिया सम्मान दे या अपमान दे, कभी परवाह नहीं करना। अभी सबसे बड़ी समस्या यही है, अरे उसने हमको ये कह दिया, उसने हमको बड़ा भला बुरा कहा, उसने, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा कैसे कर दिया?
उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, और इसमें हम परेशान हो जाते हैं। अच्छा कोई आकर के अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, बहुत अच्छी हो, बहुत प्रसन्न हो गए, भले ही कितने बुरे हो। हाँ ये कान जो है ना अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं, अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, अब इतना कह दिया बहुत अच्छे, भाई तुम सबसे बुरे आदमी हो, ऐसे करते हो। अब उसका पारा हाई, बीपी हाई हो गया, उसने ऐसा कैसे कह दिया मुझको बुरा, अब मैं इसको बुरा बन के दिखाऊंगा, अच्छा कह दिया तो अच्छा बन के दिखाऊंगा। अर्थात कहने का आशय क्या है, हम दुनिया के नचाने पर नाचेंगे। दुनिया जो हाथ में रिमोट लिए हुए है ऐसे लेती है ना, जैसे हम टीवी चैनल बदलते रहते हैं ना, छोटा बच्चा आया तो उसमें कार्टून लगा दिया, कार्टून चलने लगा, फिर बड़ा आया, अरे समाचार सुनो आज क्या हुआ महाराष्ट्र में, वो समाचार लगा दिया, फिर कोई आया अरे सास बहू का नाटक देखना है, अब वो चैनल बदल दिया, अब सास बहू की वहां जो है चल रही है, फिर कोई जो है योग करने वाला, अरे स्वामी जी को लगाओ, आस्था चैनल लगाओ, आस्था देखना मुझको। और ये जो मन का विकार है ऐसे ही चलता है, स्वामी जी ने बड़ी तारीफ कर दी तो मैं प्रसन्न हो गया, स्वामी जी दो चार बातें हम दोबारा देखेंगे नहीं, ऐसा कर लिया, इन्होंने ये कहा ऐसे हो गए, उन्होंने वो कहा वैसे हो गए। हम अपने स्वभाव का रिमोट किसी के हाथ में ना दें। हमको जब चाहे लोग गुस्सा दिला दे, क्रोधित हमको कर दे, जब चाहे हमको नचाएं, जब चाहे गवाएं। फिर दूसरी बात यह है कि बिना भोग के संसार चल नहीं सकता, यह भी बात है। तो ईशोपनिषद में कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधाकस्य स्विद्धनम्। दुनिया में आप भोग भोगो लेकिन उपभोग करो, भोग मत करो। क्या करो? उपभोग करो, वस्तु का, व्यक्ति का, और इस सारे संसार में जो कुछ भी हमको मिला है उसका उपभोग करना। उपभोग करने वाला व्यक्ति जितनी आवश्यकता जब है उसको करेगा और उससे वो निरोगी रहेगा। आचार्य कहते हैं कि यदि भोग करेगा तो व्यक्ति भय में रहेगा, डर में रहेगा, कोई उसको बचा नहीं सकता, हमेशा सहमा सा, डरा सा रहेगा। और जो भोग नहीं, उपभोग करके जीवन और जगत के कल्याण की कार्य करेगा वो अभय रहेगा। क्या कहा? कि भोगे रोग भयम कुले चेति भयम उवेते नृपालात भयम मौने दैन भयम बले रिपु भयम रूपे जरा या भयम शास्त्रे वादि भयम गुणे खल भयम काये कृता तात भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि निर्णाम वैराग्य मे वा भयम वैराग्य में वा भयम। विवेक और वैराग्य से व्यक्ति सदा अभय रहेगा। विवेक से काम करो, वैराग्य से युक्त होकर के करो, चाहे अपने बच्चे, अपने पति पत्नी, अपना घर परिवार भी आपको दुख दे तो भी दुखी नहीं होना, इसको डिटैचमेंट कहते हैं। अपने कर्तव्य को 100% करना लेकिन किसी से अटैचमेंट नहीं करना। व्यवहार तो हम करते ही हैं, अब यहां बैठे तो अटैचमेंट से ही तो बैठे हैं ना, बोलिए ना, लेकिन ये डिटैचमेंट मतलब निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, कर्तव्य के पालन के लिए हमको अटैच रहना है, अंदर से डिटैच रहना है, अंदर से तो अटैच उससे रहना, किससे? परमपिता परमेश्वर से अटैच होकर के रहना है, क्योंकि वही सब कुछ करता है। और मन चंचल है, अभ्यास और वैराग्य दो बातें, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास करिए अच्छे कामों का, वैराग्य करिए गलत कार्यों से, यहां के संसार के व्यवहार से वैराग्य करिए, पूरा कर्म आपका अच्छा हो इसके लिए कार्य करना, क्योंकि ये मन, फिर से बोलिए, मन क्या है? चंचल है और उल्लू का पट्ठा है, इसलिए इसको कंट्रोल करने का अभ्यास और वैराग्य ही उपाय है। तो एक
धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। बेईमान क्यों शैतान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे और इस पूरे गंगा खेड़ तहसील में आपका कार्य बहुत उन्नत हो, इसके लिए मिलजुल करके साथ साथ आगे बढ़िए। एक एक कितने होते हैं? एक एक ग्यारह, मतलब एक के बगल में एक लिखो तो कितने होंगे? ग्यारह होंगे। हाँ, तो एक एक से ग्यारह होते हैं, ऐसा आपका सामर्थ्य हो। और प्रीति पूर्वक पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत, किसान सेवा समिति, सोशल मीडिया, सब मिलकर के इस पूरे जो है गंगा खेड़ में योग की गंगा इतनी बहाइए, इतनी बहाइए कि पूरे परभणी में इसका जो है इसकी सुगंधी जाए और पूरे महाराष्ट्र में इसकी सुगंधी जाए और लोग बोले कि तहसील हो, तालुका हो तो गंगा खेड़ जैसा हो। इतनी प्रीति और संघे शक्ति कलौ युगे, सनातन को, अपनी पुरातन परंपरा को, अपने संस्कारों को हमको आगे बढ़ाना है। हमारे गुरु यही जीते हैं, यही कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। गुरु क्या कहते हैं? अपना मैं शिष्य किसी को नहीं बनाता। फिर क्या बनाते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं अपना प्रतिरूप बनाता हूं, जैसा मैं हूं वैसा मेरे जो है शिष्य बन जाए, मेरे जो है चाहने वाले बन जाए। तो ऐसा आप सब बहन भाई बहुत यशस्विता के साथ इस सेवा को करते हैं। घर घर योग को पहुंचाना है, घर घर आयुर्वेद को पहुंचाना है, स्वदेशी को पहुंचाना है, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा को पहुंचाना है। पतंजलि योग समिति और ये पूरा अपना जो परिवार है, यही कार्य है कि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, निरहंकार निर्विकार के भाव से हमको आगे बढ़ना है। तो ये बहुत उन्नत कार्य है, इसको करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, करो योग करो योग। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे।